भारत में सरकारी नौकरी की इतनी भुखमरी है ना कि हर कोई उसके पीछे भाग दौड़ कर रहा है। सबको लग रहा है सरकारी नौकरी अगर लग गई तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, कुछ एग्जाम एसएससी कराती है, कुछ आईबीपीएस कराती है, कुछ रेलवे कराता है। उसके बाद आता है स्टेट लेवल का एग्जाम। स्टेट लेवल के एग्जाम में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में कुछ एग्जाम यूपीपीसीएस वाले कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम होता है वो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराती है। अब यूपी ट्रिपल एससी अब जितने भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसमें जो सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो पेट क्वालिफाइड होना होता है। अब उसका एग्जाम यही 15 या 16 या 14 अक्टूबर को है। अब उसमें हुआ क्या है ना भाई साहब, सेंटर को इतनी दूर दूर भेज दिया, मतलब तुम किस जिले के हो तो कम से कम 400 किलोमीटर बाद तुम्हारा सेंटर एग्जाम देने का, और वो भी एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का, उसका नंबर ना जुड़ना है ना कुछ होना है। मतलब तुम देखे होगे ना बचपन में जब क्रिकेट उर्केट होता था तो नंबरिंग होती थी, मतलब एक लड़का ऐसे खड़ा है उसके पीछे एक लड़का और खड़ा हो जाता था और ऐसे कहता कि दो नंबर, लड़के को ये बताना होता था ये वाला नंबर किसका है, फिर वो ऐसे एक करता, चार करता, पांच करता। मुझे लग रहा है यूपी ट्रिपल एससी बहुत कायदे से ये वाला गेम खेल ली थी, उसने यही किया, किसी का भी सेंटर कहीं भी रैंडम उठा के फेंक दिया। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय की एकदम हालत खराब कर दी गई है, और बहुत कायदे से उपयोग करके आप बताओ 17-18 लाख पेपर देने वाले हैं, उनके साथ अगर एक एक लोग भी ट्रैवल करेंगे ना तो 34-35 लाख लोग इक्कीस दुई दिन में इधर उधर होंगे, कहाँ से मैनेज हो पाएगा। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा गुमराह किए हुए हैं, सबसे ज़्यादा परेशान किए हुए हैं ये कोचिंग वाले। भाई साहब इतनी कोचिंग खुल गई है, हर कोई मास्टर बन गया है, जिसको कुछ नहीं आता साला वो मास्टर बन जा रहा है। उसमें पेट का एग्जाम होगा, पेट का एग्जाम से पहले बताएंगे कि अगर 80 प्लस नंबर नहीं आ रहा है तो तुम बर्बाद हो एकदम। जैसे पेट का एग्जाम होगा कहेंगे 60 प्लस नंबर पे तुम मेंस देने लायक हो जाओगे। जैसे मेंस की कट ऑफ आएगी उसमें कहेंगे कि अब तुम तो एलिजिबल हो गए हो नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी तब लगेगी जब तुम 90 प्लस नंबर ले आओगे। कुछ दिन बाद ही कोचिंग वाले अपना कोर्स बेचने के लिए कम से कम 100 प्लस नंबर बता देंगे कि लड़का डर के साला कोर्स खरीद ले। मतलब उनका कोर्स हर एक महीने बाद नया लॉन्च हो जा रहा है, और नाम ऐसा ही कर रहे हैं ना कि झकझोर के तुम मजबूर हो जाओगे कोर्स लेने के लिए, कि लग रहा है यही वाला कोर्स सरकारी नौकरी दिलवा देगा। जो कट ऑफ का नंगा नाच है ना ये बंद करो, लड़के वैसे ही बहुत परेशान है, तुम हर 15 मिनट बाद एक नई कट ऑफ बता देते हो, लड़का डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी वाले एकदम परेशान करके रख दिए लड़कों को, रिजल्ट वगैरह का पता नहीं होता, खाली एग्जाम होगा, सेंटर इधर उधर जाएगा, कब नौकरी लगेगी, कब ब्याह होगा, किसी को कुछ पता है नहीं। यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए एक शायरी लिखी है बहुत शानदार, मेरे दिल को तुम इधर उधर ले जाकर छोड़ दे रही हो, मेरी जान टैक्सी हो क्या, मेरे दिल को इधर उधर ले जाकर छोड़ दे रही हो, मेरी जान टैक्सी हो क्या, और अपने से मुझे इतना दूर क्यों कर रही हो, और अपने से मुझे इतना दूर क्यों कर रही हो, यूपी ट्रिपल एससी हो क्या। मिलते हैं यार नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करो, वीडियो कमेंट करके बताओ कैसी लगी और किस मुद्दे पे नई वीडियो चाहते हो।